हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सब अच्छे होंगे। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और साल का पहला दिन हम मीठे से शुरुआत करेंगे, और आज मैं बनाने जा रही हूँ बादाम का हलवा। और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने दूध लिया है, गर्म दूध है, ठंडा हो गया, लेकिन ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये मैंने 3 कप का चौथा भाग लिया है चने का दाल, और उसे अच्छे से मैंने साफ़ करके धो के 2-3 पानी से मैंने भिगो दिया था, दाल अच्छे से फूल जाए इतना हमें भिगोना है। और शक्कर लिया मैंने 1 कप, मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। और ये लिया है मैंने बादाम एसेंस जो आता है, हमें 1 बूंद डालना है बादाम एसेंस। और ये मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून पिस्ता लिया, उसे बारीक काट लिया है। और ये मैंने 4 बड़ा टेबल स्पून देसी घी लिया है, और 1 टेबल स्पून गर्म दूध में मैंने केसर को भिगो लिया है, 1 चुटकी बड़ा केसर को मैंने डाला था इसके अंदर। और ये मैंने 25 ग्राम बादाम लिया, उसे बारीक बारीक काट लिया है, और इसे मैंने भून लिया था अच्छे से। हमें इसे भून लेना है और उसके बाद इसको कट कर लेना है बारीक। तो ये मैंने 25 ग्राम लिया था, और 1 बड़ा चुटकी हम केसर लेंगे। और ये मैंने लिया बादाम, और इसे मैंने थोड़ा गर्म पानी में भिगो दिया था, और इसका छिलका निकाल के मैंने कट कर लिया है। तो देखते हैं हम कैसे बनता है। सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे, और उसमें हम चने के दाल को निकालना है हमें, और इसे हम पीस लेंगे। और हमें दरदरा पीसना है, पेस्ट नहीं बनाना है इसका। और इसे हम जाड़ा पीस लेंगे, तो मैं इसे पीस लेती हूँ। हमें जाड़ा पीसना है और पानी नहीं डालना है, ऐसे ही पीसना है हमें। तो ये मैंने पीस लिया है, देखिए ये मैंने दरदरा पीसा है, इसे एकदम पेस्ट पतला नहीं बनाया, पेस्ट जैसा, और थोड़ा जाड़ा ही पीसना है हमें। और देखते हैं कैसे बनता है। तो ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है, गैस पे कढ़ाई रख लिया है, और इसमें हम डालेंगे घी, और घी को गर्म होने देंगे। तो ये घी हमारा गर्म हो गया है, और इसमें हम डालेंगे जो हमने चना दाल का पेस्ट बनाया है, उसे हम डाल लेंगे। और गैस को मैंने एकदम कम रखा है, और कम आँच पे हमें इसे अच्छे से भूनना है गैस को, और दाल को गैस को एकदम कम रखना है हमें, और अच्छे से इसे भूनेंगे सुनहरा होने तक। और अभी हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे इसे, और गैस को एकदम कम रखेंगे, अच्छे समय से भूनना है। और अच्छे से इसमें से खुशबू आने लगे, दाल एकदम पक जाए, सुनहरा हो जाए, तब तक इसे हम भूनेंगे, अच्छे से हमें पकाना है। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो ये मैंने अच्छे से दाल को भून लिया है, और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये ब्राउन हो गया है, सुनहरा हो जाए तब तक, और जब ही सूख जाएगा इसका पानी, और अच्छे से ये दाल हमारा पक गया है। और आप जब भी ये बनाएं दाल का मतलब हलवा बादाम का, तो इसमें जाड़ा कढ़ाई लीजिए आप, नीचे जो तली है वो ज़्यादा मतलब मोटा रहना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा नीचे से। और कम आँच पर अच्छे से इसे भून लेना है, उसके बाद थोड़ा सा हाई करके मैंने इसे पका लिया है। तो ये अच्छे से हमारा जो दाल है पक गया है, और इसमें हम डालेंगे दूध, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, और इसके साथ में इसमें डालेंगे हम शक्कर, और मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, कम या ज़्यादा, जैसा आप खाना पसंद करते हो। और इसके साथ में इसमें मैं डालूंगी केसर, और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब तक ये अच्छे से शक्कर मेल्ट नहीं हो जाता तब तक इसे हमें पकाना है चलाते हुए, और गैस को हम कम कर देंगे। तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे, और शक्कर को अच्छे से पिघलने देंगे। और बनाइए आप, बहुत टेस्टी और हेल्दी हलवा है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन ज़रूर दबाइए। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और पका लेती हूँ। तो ये हलवा हमारा अच्छे से पक गया है, शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गया, और इसको मैं कंटिन्यू चला भी रही हूँ, ये जले नहीं, और शक्कर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है, और गैस को एकदम कम रखना है। और अभी इसमें हम डालेंगे
बादाम एसेंस एक से दो ड्रॉप डालना है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। बादाम एसेंस आपको किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाएगा और इसमें हम डालेंगे बादाम और पिस्ता, थोड़ा सा हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए पिस्ता, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और हमारा हलवा तैयार हो गया है, पक गया है और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अभी इसे हम क्या करेंगे, सर्व करेंगे। और बादाम को मैंने भून लिया था, इसके लिए ज़्यादा पकाना नहीं, हमें मिक्स कर लेना है बस उतना ही। और अभी हम क्या करेंगे, इसे सर्व करेंगे। तो ये मैंने एक डिश में निकाल लिया है हलवे को, इसे हम गार्निश कर लेंगे। जो मैंने बादाम रखा था, जो हमने इसका छिलका निकाल के कट कर लिया है गर्म पानी में, तो इसको इसके ऊपर डालेंगे, हम गार्निश कर लेंगे। तो ये मैंने बादाम से गार्निश कर दिया और जो हमने केसर वाला दूध था उसे भी हम इसके ऊपर डालेंगे। इसे हम गार्निश कर लेंगे केसर वाले दूध से। और अभी हम क्या करेंगे, जो हमने पिस्ता रखा है उसे भी हम गार्निश करेंगे। इसके ऊपर हम पिस्ता डाल लेंगे। तो ये मैंने गार्निश कर लिया है। तो ये हमारा बादाम का हलवा बनके तैयार है और देखिए कितना देखने में यम्मी लग रहा है, खाने में भी है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करें और बनाइए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। और फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।